देखो मैं परफॉर्म करने नहीं आया हूँ, मैं बस बताने आया हूँ कि प्लीज FIR कराना बंद करो। और जो FIR कराना चाहते हो तो तुम एक बार मेरी तरफ देख लो कि जरूरी नहीं है FIR कराना, तुम बस एक बार मुझे चिल्ला के बोल दो, मैं बांग्लादेश चला जाऊंगा। और ये होते रहता है ऐसे, FIR कराते रहते हैं किसी भी बात पे, और मेरे पास सोल्यूशन है इसका। तो जैसे पीछे तुम देख रहे हो ना कॉमेडी क्लब का लोगो होता है, तो ये हर वीडियोस में होता है, तो मैं प्रॉब्लम नहीं है, कॉमेडी क्लब का लोगो रखो, अच्छा है, प्रमोशन होता है। पर पीछे जो है ना एक बड़ी सी मोदी जी की फोटो लगाओ। तो उससे फायदा क्या होगा ना, जो तुम लोग आते हो शो पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें वीडियो पसंद आता है तुम देखते हो, नहीं पसंद आता बंद कर देते हो। असली प्रॉब्लम हमें हार्डकोर सपोर्टर्स से है। तो जब वो वीडियो चालू करेंगे ना, वीडियो देखेंगे, देखेंगे पीछे मोदी जी की फोटो है, बोलेंगे यार अपना ही कोई भाषण होगा। तो बंद कर देंगे वीडियो और FIR किसी के ऊपर नहीं होगी। और ये बहुत काफी ना बुलेट प्रूफ तरीका, ये तुम अपने घर के बाहर भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने कर दिया, मेरे घर के बाहर मेरे बाप का नेम प्लेट नहीं है, मेरे घर का नाम है नरेंद्र मोदी भवन। आज के बाद अगर कभी दंगे हुए ना मेरे घर पे तोड़ने आएंगे लोग तो देखेंगे अरे ये तो अपना ही आदमी है। फिर थोड़ी दूर चले, दूर चल के वापस आएंगे, 1 मिनट इसमें से बकरे की खुशबू कैसे आ रही है। मोदी जी कन्वर्ट हो गए, बताया भी नहीं। पकियाले जोक में आधी ऑडियंस की गांड फट चुकी है। इसको चलते शो में गोली पड़ेगी। इस आदमी ने 2002 से सीधा उसको मुसलमान बना दिया। हाँ अब दोनों गांड फट चुकी है। कल मैं पेट्रोल गिरवी रख के माँ के गहने छुटा के लाया। तो पर प्रॉब्लम, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि मुझे मास्टर प्लान पता है ना पीछे का, कि वो क्यों प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चाइना घुसते जा रहा था ना अंदर बॉर्डर के। तो तुम सारे कंप्लेन कर रहे थे कि यार मोदी जी ध्यान ही नहीं दे रहे चाइना अंदर घुसते जा रहे हैं, पर तुम्हें पता नहीं है ना पीछे से प्लान कर रहे थे। अब चाइना बॉर्डर क्रॉस करते टाइम ना 10 बार सोचता है कि बेंच बॉर्डर क्रॉस किया ना 120 है पेट्रोल वहां पे। और चाइनीज करेंसी में गिनते गिनते गांड फट जाएगी। तो मास्टर प्लान था यार, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ ऐसे बीच में तारीफ करनी पड़ती, नहीं तो उठा लेते लोग। तुम सबको मुंबई में ताज होटल पता है ना? हाँ तो मैं वहां पे गया था, मतलब खाने गया था, ठीक है। कुछ करने नहीं गया था, मेरा बस नाम मोहम्मद सोहेल है, वैसे काम नहीं करता मैं। पर से मैं, मुझे पता है मैं दिखता भी उसकी तरह हूं, तो लोग पकड़ लेते हैं मुझे कि सबकी कंस्पिरेसी थ्योरी है ना कि वो मरा ही नहीं था, तो मुझे पकड़ लेते कि तू ही है वही। और आधे लोग को यहाँ पे पता नहीं कसाब की बात हो रही है, और अब वो सच में चुप हो गए कि इस पे तो नहीं हंसना चाहिए। तो मैं खाने गया था ताज होटल में, और वो सबसे एक्सपेंसिव होटल है पूरे इंडिया का, तो मैं वहाँ पे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने उसमें ढूंढ के सबसे सस्ती चीज़ ऑर्डर की, मैंने भजी ऑर्डर की ताज होटल में। कभी तुमने एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के वेटर से गांडू सुना है? मैंने भजी मंगाया, मेरे मुंह पे गांडू बोल के गया। फिर भजी आए, उसके बाद फिर बिल आया, और बिल 1500 का था। मैं वेटर को बुलाया, बोला सुन गांडू ये खाली भजियों का बिल इतना ज्यादा क्यों है? बोला चूतिए पेट्रोल में तले हैं।
ठीक है, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं होना चाहिए। और प्रॉब्लम ये, तुम 3-4 एक के बाद अच्छे हुए हो। तो अब पीछे सारे कॉमेडियन सोच रहे हैं कि ये अच्छा है या वो बुरे थे। हाँ ओके, मैं एक बार, ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगे पर मैं एक बार पूछने वाला हूँ, मेरा कितना मिनट हुआ है? 2 मिनट बाकी है। ओके हाँ, ये कोई कॉमेडियन नहीं करता, ये खाली मैं करता हूँ। जिन लोग ने मुझे नहीं देखा है तो देखना भी मत। अभी वो वीरदास के ऊपर FIR करा दी, वो टू इंडिया वाला पोएम की थी उसने। ओके मैं इकलौता कॉमेडियन हूँ जिसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी, उसने गांड की फोटो लेने के दे रही। गांड की फोटो डाल ले यार, तू टिंडर पे गांड से ज्यादा राइट स्वाइप आ जाएगी तुझे। देखो मैं परफॉर्म करने नहीं आया हूँ, मैं बस बताने आया हूँ कि प्लीज FIR कराना बंद करो। A few moments later. मैं दिल से चाहता हूँ छोड़ना, कोई कराओ FIR प्लीज। क्या बोला? अच्छा नहीं कराओगे तो बाकियों पे करा दो यार। मैं अकेला रहूंगा तो थोड़ा खुश रहूंगा, अब बाकी लोग रहते ना तो थोड़ा सा वो लेफ्ट आउट फील होता है कि यार वो भी स्टेज पे चल रहे हैं, मुझे भी चल लेना चाहिए, एक ही जगह खड़ा रहता हूँ। पर फिर वो मुझे गाली दे रहे होते कि चूती एक जगह खड़े होकर क्यों हंसा रहा है, थोड़ा तो एफर्ट डाल, ऑडियंस डालने ही नहीं दे रही। थैंक यू। कल मैं पेट्रोल गिरवी रख के माँ के गहने छुटा के लाया। इतना डिफिकल्ट जोक था भी नहीं, मतलब पीछे डिस्कशन चालू हो गया सॉल्व करना तो काम किया, और आज उल्टा मैंने सही से डिलीवर भी कर दिया। कल तो मैंने गलत डिलीवर कर दिया था जोक, कल मैंने जोक बोला कल मैं माँ गिरवी रख के पेट्रोल लाया। मेरे को समझ में आ गया, ये जोक बेटर है। मैं ये चाहिए ना कि मैं माँ गिरवी रख के पेट्रोल, बाइक का चलाना भी नहीं आता मुझे, जबरदस्ती पेट्रोल के ऊपर जोक्स कर रहा हूँ। देखो अब जो भी थे ना सारे जो FIR वाले जोक्स से खत्म हो गए, तो आगे के लिए हम सॉरी।